दिवाली से पहले बुलंदशहर पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां एक ही व्यक्ति के तीन ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए की कीमत की आतिशबाजी, भारी मात्रा में राशन वितरण सामग्री, सरकारी राशन की बोरियां और अवैध शराब बरामद हुई है। स्थानीय लोग और अधिकारियों की माने तो यह गोरख धंधे एक ही व्यक्ति के हैं जो पिछले लंबे समय से गांव में चला रहा है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव मुंडाखेड़ा का है, जहां एसडीएम खुर्जा दुर्गेश सिंह, सीओ भास्कर मिश्रा पुलिस प्रशासनिक टीम के साथ मंगलवार को गांव पहुंच गए। अधिकारियों ने वहां स्थित एक दुकान पर जांच की तो पता चला कि काले कारोबार में लिप्त माफिया द्वारा अवैध रूप से चावल जमा किए गए थे, जबकि पड़ोस में एक खंडर नुमा मकान में सरकारी राशन वितरण की बोरियां भी मिली हैं। एसडीएम के मुताबिक करीब 20 क्विंटल चावल अवैध रूप से दुकान में रखा मिला है, जिसके लिए आपूर्ति निरीक्षक प्रीति सिंह को मौके पर बुलाकर जांच कराई जा रही है। इसके अलावा इसी अवैध कारोबारी के घर पर भी छापामार कार्रवाई की गई है, जहां मकान के अलग अलग कमरों में रखी भारी मात्रा में प्रतिबंधित आतिशबाजी बरामद हुई है। अधिकारियों की माने तो ये पटाखा सामग्री दिवाली से पहले जमा की गई ताकि इसे महंगे दामों में बेची जा सके। एसडीएम के मुताबिक पकड़ी गई आतिशबाजी की कीमत लाखों में है, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। मामले में सीओ खुर्जा भास्कर मिश्रा ने बताया कि उक्त छात्र के कब्जे से अवैध शराब भी बरामद हुई है। इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। फिलहाल आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी है। आरोपी के खिलाफ सरकारी राशन की कालाबाजारी, विस्फोटक और आबकारी अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आज एक सूचना मिली थी कि हिमांशु अग्रवाल पुत्र अनुज अग्रवाल हैं, इनके द्वारा जो मुंडाखेड़ा ग्राम में जो इनकी दुकान है, उस दुकान के पीछे एक ये स्टोर रूम टाइप का बना रखे हैं, जिसमें अवैध रूप से इनके द्वारा चावल का वो किया जा रहा है, स्टॉकिंग की जा रही है। तो उसी के साथ एक और सूचना मिली थी कि इनके घर में अवैध रूप से जो है जो पटाखे हैं वो ला करके रखे गए हैं, जिनको शीघ्र इनके द्वारा विक्रय किया जाना था। उसी क्रम में पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त आज अभियान चलाया गया, जिसमें 20 क्विंटल के करीब लगभग जो है चावल की बरामदगी हुई है, जिसकी भी जांच की जा रही है। और उसी के साथ इनका जो हिमांशु अग्रवाल पुत्र अनुज अग्रवाल, इनके घर की भी जब तलाशी ली गई तो उस घर में लगभग 10 लाख रुपये मूल्य के अवैध पटाखे मिले हैं, जिनको जब्त कर लिया गया है। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हिमांशु अग्रवाल पुत्र अनुज अग्रवाल, ग्राम मुंडाखेड़ा, इनके द्वारा अवैध रूप से शराब का विक्रय किया जा रहा है तथा इनके द्वारा जो है कुछ सरकारी अनाज है उसका भी विक्रय किया जा रहा है। इस जानकारी पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। यहाँ पर जो सरकारी कोटे का जो राशन था 20 क्विंटल के आसपास, उसको बरामद किया गया है। लगभग 10 लाख के आसपास की मूल्य की एक खेप बरामद की गई आतिशबाजी की, तथा साथ ही में कुछ अवैध शराब भी इसके यहाँ से बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि जो हिमांशु अग्रवाल है, इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी ये अवैध शराब के विक्रय में ये इसको जेल हुई है। तो पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जो यह छापेमारी की गई है, उसमें मुकदमा कायम किया जा रहा है। मुकदमे के साथ साथ इसके ऊपर और भी जो वैधानिक कार्रवाई नियम संगत होती है वो की जाएगी। सर, आरोपी पकड़ा गया है क्या? नहीं, आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुलिस की टीमें लगा दी गई उसको पकड़ने के लिए, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, पटाखे बिक्री के लिए शासन की तरफ से किस तरह के आदेश दिए गए हैं और प्रशासन क्या अपील करना चाहेगा? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि NCR क्षेत्र में पटाखे का क्रय और विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसी क्रम में देखिए, हमारी सबसे एक तो अपील है कि किसी प्रकार से आप पटाखों के भंडारीकरण में या किसी प्रकार से पटाखे खरीदने बेचने में आप जनता के लोग कोई भी इसमें ना आए, और अगर किसी को ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि किसी द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो कृपया पुलिस या प्रशासन किसी को भी सूचित करें। टाइम 24 न्यूज़ के लिए खुर्जा से फिरोज मलिक की रिपोर्ट।